दोस्तों, जैसे ही आप इस महल परिसर में प्रवेश करोगे तो आपको सबसे पहले ये लाल पत्थरों से बनी खूबसूरत इमारत दिखाई देगी। इसे दीवाने खास कहा जाता है। यह अकबर का कॉन्फ्रेंस हॉल था, जहां अकबर अपने खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। इस भवन को आप सामने से देखोगे तो ये दो मंजिला इमारत के रूप में दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसके अंदर प्रवेश करोगे तो ये एक मंजिला नजर आएगा। इस भवन के अंदर आपको ये बीचों बीच बहुत ही सुंदर खंबा दिखाई देगा। इसके ऊपर चारों तरफ सुंदर बालकनियां बनाई गई हैं। इसके बीचों बीच इस स्थान पर अकबर बैठा करते थे और इनके चारों तरफ उनके वजीर बैठा करते थे। इस भवन के सामने आपको एक और भवन नजर आता है। इसके बारे में बताया जाता है कि इस भवन में खजाना रखा जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, इस भवन में सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे। जरा सोचिए, इन कमरों में कितना सोना रखा जाता होगा। यह भवन काफी बड़ा है और इसके आगे के भाग को काफी खूबसूरत बनाया गया है। इस भवन के ठीक सामने आपको ये विशाल चौक नजर आएगा और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कोई आम चौक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा चौसर खेल का चौक है। मैं आपको बता दूं कि चौसर प्राचीन कला का बहुत ही पॉपुलर खेल है। इसे आप ठीक वैसा मान सकते हैं जैसा आप आज लूडो खेलते हो। यहाँ इस चौक में गोटियों की जगह गोटियों के कलर के हिसाब से ड्रेस पहनकर दास और दासियों को खड़ा किया जाता था। और ये जो सामने आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ बादशाह और बेगम पांसे फेंक कर इस खेल का आनंद लिया करते थे। पांसों में जो अंक आता था उसी के अनुसार दास और दासियां म्यूजिक के साथ आगे बढ़ा करते थे। है ना कमाल की बात। इसी चौक के बगल में ये जो स्थान आपको नजर आ रहा है, यहाँ उस समय शानदार फूलों का बगीचा हुआ करता था। इस बगीचे में लगे गुलाब, जैस्मीन और चमेली के फूलों की सुगंध पूरे परिसर में फैला करती थी। यहीं से इसी चौक के दूसरी तरफ आपको ये जो शानदार इमारत दिखाई दे रही है, इसे पंचमहल कहा जाता है, क्योंकि ये पांच मंजिला इमारत है और इसी आधार पर इसका नाम पंचमहल रखा गया था। इस भवन को गर्मियों के हिसाब से बनाया गया था। यहाँ ऊपर की मंजिल पर अकबर गर्मियों में ठंडी हवा का आनंद लिया करते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ अनेक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें एक फिल्म शाहरुख खान की फिल्म परदेश भी थी और यहीं इसी जगह पर फिल्म का एक सॉन्ग भी फिल्माया गया था। अब ये जो आप सामने सुंदर एक कुंड देख रहे हो, इसे अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। यह अकबर का एक तरह का स्विमिंग पूल था। जब अकबर यहाँ स्नान करते थे तो इसे गुलाबों से भर दिया जाता था, लेकिन तालाब का मुख्य प्रयोजन ये नहीं था, बल्कि इसका मुख्य काम उनके नौ रत्नों में से एक रत्न तानसेन की आवाज में ई को पैदा करना था। मैं आपको बता दूं कि तानसेन उस समय के मशहूर गायक थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो दीपक राग सुनाते थे तो बुझे हुए दीपक जल जाते थे, और जब वो मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाया करती थी। इसके ऊपर ये जो स्थान आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर तानसेन बैठा करते थे और राग सुनाते थे। और ये जो इमारत आप देख रहे हो, इसी इमारत के ऊपर बने भवन से अकबर उनके राग को सुनते थे। और ये जो सामने आपको जो झरोखा नजर आ रहा है, यहाँ से जोधा बेगम बैठकर राग सुनती थी। जहाँ अकबर बैठते थे उस जगह को अकबर की ख्वाबगाह कहते हैं और इस पूरे परिसर को चार चमन कहा जाता है। इसी परिसर में बनी आपको ये जो इमारत नजर आ रही है, ये अकबर की बेगम रुकैया का महल है। इसे शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इस इमारत में अनेक प्रकार के शीशे और हीरे जड़े हुए थे, जिन्हें बाद में अंग्रेजों ने निकाल लिया था। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अकबर की रानी जोधाबाई का महल और रसोई। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं इस महल की दूसरी तरफ, जहाँ ये जो सामने आपको भवन नजर आ रहा है, ये है मरियम का महल। इस महल को बहुत ही आकर्षक बनाया गया है। इस भवन के बाजू में आपको ये जो भवन दिखाई दे रहा है, ये है जोधाबाई की रसोई। यहाँ रानी जोधा अपने लिए अलग से खाना बनाती थी।
इस रसोई में आप देखेंगे कि इस पर शानदार नक्काशी की गई है और यहाँ आपको अनेक प्रकार के झुमके बने दिखाई दे रहे हैं जो कि देखने में काफी आकर्षक लग रहे हैं। इस भवन के सामने आपको ये जोधाबाई का महल नजर आएगा जिसमें राजस्थानी इस्लामिक और हिंदू कल्चर की छाप दिखाई देती है। इस महल में आपको रानी जोधा का एक मंदिर दिखाई देगा जिसमें रानी अपने ईष्ट देव श्री कृष्ण की पूजा करती थी। इस परिसर के चौक में आपको ये जो स्थान दिखाई दे रहा है यहाँ तुलसी का एक पौधा था। महल के आमने सामने आपको ये जो भवन दिखाई दे रहे हैं उन्हें शरद विलास और ग्रीष्म विलास कहा जाता है। इनका इस्तेमाल गर्मियों और सर्दियों में रहने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अगर आप जोधाबाई के इस महल के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से बाहर हम निकलते हैं तो इसकी बगल में ये जो महल है मरियम का महल है जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और इसी महल के पास ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ये उस समय का मार्केट प्लेस है जहाँ से महिलाएं खास सामान खरीदा करती थी। यहाँ पूरा बाजार सजाया जाता था। दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद आपको एक और शानदार इमारत नजर आ रही है। ये है अकबर के सबसे खास बीरबल का महल। तो दोस्तों, यहाँ इस महल में बीरबल रहा करते थे। इस महल को अकबर ने बीरबल को उसकी बुद्धि कुशलता को देखकर प्रसन्न होकर दिया था। इस महल को बहुत ही खास प्रकार से बनाया गया है। अगर आप बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात और इस महल के बारे में और भी खास बातें जानना चाहते हैं तो इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बीरबल के महल के ठीक सामने आपको ये जो स्थान नजर आ रहा है ये एक अस्तबल है जहां घोड़ों को बांधा जाता था। और अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट यानी बुलंद दरवाजा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं बुलंद दरवाजे के पास और ये आपके सामने नजर आ रहा है बुलंद दरवाजा। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको 52 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होगा और सामने आपको मिलेगा 52 मीटर ऊंचा सबसे बड़ा दरवाजा। दोस्तों, इस दरवाजे को लेकर बहुत बड़ी दास्तान है और साथ ही आप देखेंगे कि इसके द्वार पर आपको ये कई सारे घोड़ों की नाल दिखाई दे रही हैं। इन्हें यहाँ क्यों लगाया गया है और भी कई राजदार बातें इस दरवाजे को लेकर हैं जिन्हें हमने विस्तार से बताया है एक अलग वीडियो बनाकर और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दरगाह परिसर के सामने। आपको सफेद संगमरमर से बनी दरगाह दिख रही है और इसी दरगाह के पास ये सामने आपको जो इमारत नजर आ रही है ये है जामा मस्जिद। दरगाह के पास ही दूसरी ओर ये जो आप भवन देख रहे हैं ये चिश्ती फैमिली के लोगों का एक कब्रिस्तान है जहां आप देखेंगे कि भवन के बाहर और भीतर आपको कब्रें दिखाई देंगी जिनमें बाहर वाली कब्रें पुरुषों की हैं और भवन के अंदर जो कब्रें बनी हैं वो सभी महिलाओं की कब्रें हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही आप चारों तरफ नजर घुमा के देखेंगे तो आपको चारों तरफ ये जो छोटे छोटे गुंबद दिखाई दे रहे हैं इन पर रात के समय में मसाले जला करती थी, उनसे पूरे परिसर में रोशनी हुआ करती थी। तो दोस्तों, अभी हम सीधे दरगाह के लिए चलते हैं। यहाँ दरगाह के सामने आपको ये शानदार कव्वाली सुनने को मिलेगी। लोग यहाँ अपनी मन्नतें पूरे होने की दुआ मांगने और मन्नत के लिए धागा भी बांधते हैं, साथ ही फूल और चादर यहाँ चढ़ाते हैं। समाना आप
दोस्तों, आपको फतेहपुर सीकरी का ये टूर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ब्रजमाला का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई जगह के बारे में खास जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।